पहली खबर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गाजा के लिए आज का दिन कैसे ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ, ब्लड बाथ। ब्लिंकन के किस बयान के बाद गाजा पर हमले दोबारा शुरू हुए, सीज़फ़ायर क्यों टूटा, बड़ा खुलासा करेंगे। दूसरी खबर, इजरायली हमले के बाद हूती हिजबुल्ला कैसे जाग उठे, सीज़फ़ायर टूटने के बाद क्या मिडिल ईस्ट में अब महायुद्ध होगा। तीसरी खबर, क्या ज़ेलेंस्की रूस से जंग हारने वाले हैं, 14 दिसंबर को पुतिन कौन सा वैश्विक ऐलान करने जा रहे हैं। चौथी खबर, आपने TV9 का सटीक एग्जिट पोल देखा, लेकिन उस एग्जिट पोल का एक्स फैक्टर आपको हम बताएंगे। पांचवी खबर, दुबई से दुनिया को कैसे मिला पृथ्वी बचाने का नमोमन, जंगल से जलवायु ठीक करने का फॉर्मूला जरूर देखेगा। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर, आज गाजा में 7 दिन की शांति भंग हो गई है, इसराइल हमास पर रॉकेट हमले का आरोप लगाता है, इसके बाद पूरे गाजा में दोबारा बमबारी शुरू हो गई है। क्या रफा, क्या खान यूनिस और क्या उत्तरी गाजा, हर जगह आसमान से इजरायल ने बम बरसाए हैं, लेकिन क्या यह सब कुछ अचानक हुआ या पहले से कोई प्लान था, क्योंकि गाजा में ब्लैक फ्राइडे के पीछे अमेरिकी कनेक्शन सामने आ रहा है। गाजा में 7 दिन की शांति आज सूरज उगते ही इजरायली हमलों से भंग हो गई। सीज फायर टूटते ही इसराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा के हर हिस्से में कोहराम मचा दिया, हमास के स्ट्रैटेजिक सेंटर पर रॉकेट अटैक भी किए, नसर अस्पताल फिर से टारगेट पर आया। 172 घंटे बाद जैसे ही युद्ध विराम टूटा, IDF के हवाई अटैक से खान यूनिस कैंप के कई घर जमींदोज हो गए, मलबे में कई लोग दब गए, चीख पुकार मातम की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी, हर तरफ तबाही का मंजर देखा। रिहायशी इलाकों पर हुए हमलों में राफा शहर भी दहल उठा, यहां हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमास और फिलिस्तीन की ओर से कहा जा रहा है कि सिर्फ 5 घंटे के हमले में ही गाजा में 61 लोगों की मौत हो गई, 100 से अधिक घायल हुए। इस पर इसराइल का जवाब यह है कि सीज फायर पहले हमास ने तोड़ा, रात में गाजा बॉर्डर वाले इसराइली शहर सेडरोट पर रॉकेट हमला किया, जिसे इसराइली RN Dome ने इंटरसेप्ट करके नष्ट किया। सुबह 7 बजे के करीब हमास ने किबुत्स को निशाना बनाया, कई घरों पर रॉकेट गिरने से तबाही मची, लेकिन विनाश का ये वो सीन है जिसे दुनिया ने देखा। हमले से पहले क्या हुआ, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन पर कैसे आरोप लगे, ये भी सुनिए। ब्लिंकन कल यरूशलम पहुंचे थे, नेतन्याहू से उनके दफ्तर में मुलाकात की थी, इसके बाद इसराइल वॉर कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हुए। बाद में चैनल 12 न्यूज ने इस बैठक के हवाले से खबर दी कि ब्लिंकन ने इसराइल को हमास के खात्मे को लेकर समय सीमा निर्धारित करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हमास के खात्मे के लिए ये जंग ज्यादा दिनों तक नहीं चलनी चाहिए, हम गाजा में महीनों तक युद्ध नहीं लड़ सकते, इसे महीनों में नहीं कुछ हफ्तों में ही खत्म करना होगा। इसराइली रक्षा मंत्री ने इसके बाद ही हमास पर फिर से हमले का ऐलान किया। Till we prevail, no matter how long it takes. It's a just war, it's a war to win Hamas, the ISIS of Gaza, and it's a war to bring the hostages back home, as long as it takes. Thank you. ब्लिंकन ने जो कहा और गैलेंट ने जो कहा, दोनों की बातों से एक बात साफ है कि इसराइल अब रुकने वाला नहीं है, उस पर अमेरिका का दबाव है और गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए वो अब हर दिन विनाशक प्रहार करेगा। अब से थोड़ी देर पहले का अपडेट यह है कि गाजा में आज के हमले में 109 लोग मारे गए। गाजा में यह इसराइल का नरसंहार पार्ट 2 है। वैसे ब्लिंकन की चेतावनी से एक बात और साफ है, इसराइल को अमेरिका से भीषण हमले का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, इसी के बाद गाजा में फिर से तबाही देखने को मिल रही है। इसराइल पर युद्ध जल्द खत्म करने का चौतरफा दबाव भी है, पहला दबाव तो खुद अमेरिका ने बना दिया है, दूसरा दबाव ग्लोबल आक्रोश का है और तीसरा दबाव अमेरिका पर अरब देशों का है, चौथा दबाव यह है कि कहीं यह युद्ध भी रूस यूक्रेन की तरह लंबा न खिंच जाए और अमेरिका को यहां भी लंबे वक्त के लिए उलझना पड़े। लेकिन क्या यह जितना आसान दिखता है उतना है भी, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट है कि हमास ने इन 7 दिनों के युद्ध विराम में लड़ाई की बड़ी तैयारी की है। बीते 7 दिन में हमास ने हथियारों की बड़ी खेप जुटा ली है, सीज फायर के दौरान हमास लड़ाकों की तैनाती कर चुका है, हमास ने गाजा के अंदर ग्राउंड फोर्सेस को रोकने के लिए ट्रैप लगा दिए। खुद याया सिन्वर ने ऐलान किया है कि इसराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला होकर रहेगा, यानी इसराइल को हमास से निपटने के लिए और बड़ा प्लान बनाना होगा और जानकार मानते हैं कि ऐसे में युद्ध जल्द खत्म करने के लिए इसराइल परमाणु हमला करने के भी विचार कर सकता है। वैसे आज जब गाजा में
हमले हो रहे थे, तब हमारे सहयोगी विपिन चौबे बॉर्डर के पास वाले इलाके में ही थे, कई हमले उनके कैमरे में रिकॉर्ड हुए। ग्राउंड रिपोर्ट। सीज़फ़ायर की ब्याज जैसे ही खत्म हुई है उसके बाद से बॉर्डर के इलाकों में मूवमेंट तेज हो गई है। आर्मी की गाड़ियां आप देख सकते हैं और सामने वो तोप देखिए, तोपों का मूवमेंट इस तरफ जरा दिखाइए, तोपों का मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुका है। और इसके जरिए समझने की कोशिश करिए कि एक बार फिर से गतिविधियां तेज हो गई है, एक बार फिर से ये हमले किए गए। वो आपको छोटे छोटे जो बादलों के पैचेस नजर आ रहे हैं वो हमास के द्वारा किए गए रॉकेट अटैक्स हैं, और जिनको अभी मेरी आंखों के सामने इसी वक्त आर्यन डोम ने निष्क्रिय किया है। इन्हीं हमलों को मैं आपको दिखाना चाह रहा था, मुझसे महज 100 मीटर की दूरी पर यह पूरा हमला हुआ है, और मैं जो गाजा पट्टी के इलाके को जलता हुआ सुलगता हुआ धधकता हुआ देख रहा हूं उसमें इस वक्त अब हमास भी अब अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। अभी अभी फिर एक हमला हुआ है और उसके बाद कैसे काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। दो हमलों को एक बार और निष्क्रिय किया गया, रह रहकर धमाकों की आवाजें आ रही हैं, और इन आवाजों के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि बॉर्डर पर तनाव कितना ज्यादा है। का पूरा इलाका सामने आपको नॉर्थ गाजा का इलाका नजर आएगा जो पूरी तरह से अब मलबे में तब्दील हो चुका है। आज सुबह 7 बजे के बाद जैसे ही यह सीज फायर टूटा है लगातार हमले हो रहे हैं और पूरा आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया है। आम दिन जैसे जैसे चढ़ रहा है वैसे वैसे हमले तेज होते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन गंगा के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, गाजा बॉर्डर इजराइल। इजराइल हमास के बीच सीज़फ़ायर टूटते ही गाजा में फिर से महाविनाश की शुरुआत हो चुकी है। इस बार दोनों तरफ से हमले पहले से ज्यादा भीषण हो रहे हैं क्योंकि 7 दिन के बाद इजराइल और हमास दोनों पूरी तैयारी के साथ युद्धभूमि में उतरे हैं। अब सवाल यह है कि 7 दिन से जारी सीज़फ़ायर आज समय अवधि पूरी होने से पहले ही क्यों टूट गया? क्या इजरायली पीएम नेतन्याहू का सब्र टूट गया है या फिर हमास ने ही कोई ऐसी हरकत कर दी है जिससे इजरायली फोर्सेस को दोबारा विध्वंस की शुरुआत करनी पड़ी? हमारे सहयोगी मनीष झा ने सीज़फ़ायर टूटने पर एक्सक्लूसिव डिटेल हमारे साथ साझा की। उत्तर, दक्षिण, वेस्ट बैंक, जेनिन, सीज़फ़ायर टूटते ही गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक चारों तरफ जैसे सर्वनाश की शुरुआत हो गई। सात दिन से जारी सीज़फ़ायर की मियाद शुक्रवार को खत्म होने ही वाली थी कि हमास और इसराइल के बीच ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। अब सवाल ये है कि सीज़फ़ायर से पहले की रात में ऐसा क्या हुआ, क्यों सीज़फ़ायर खत्म होने से पहले ही गाजा विध्वंस का दूसरा दौर शुरू हो गया? दरअसल देर रात में हमास ने बंधकों की एक लिस्ट इसराइल को सौंपी। लिस्ट में कई बंधकों के शव दिए जाने की बात थी, इसराइल ने लिस्ट लेने से इनकार कर दिया। इसराइल की तरफ से एक साथ सभी महिलाएं और बच्चों को रिहा करने की मांग की गई। इसके बाद हमास की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसराइल की सरकार भी कई घंटे तक असमंजस में रही। आखिरकार प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर से युद्ध शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इसकी भनक हमास को लग गई और हमास ने सेदोरोत को टारगेट करके पहला रॉकेट दाग दिया। फिर क्या था, IDF ने इसके बाद फेज 2 में भीषण बमबारी शुरू कर दी। गाजा में दोबारा ऑपरेशन की शुरुआत करने पर इजरायली PMO की तरफ से बयान आया। कहा गया कि हमास ने सीज फायर का समझौता तोड़ा है, आज महिलाओं को छोड़ने का वादा पूरा नहीं किया। हमास ने इजरायली नागरिकों पर हमले किए और सरकार जंग के नतीजों को पाने के लिए प्रतिबद्ध है। साफ है सीज़फ़ायर टूटने का मतलब हमास का अंत है। इसके अलावा सीज़फ़ायर टूटने के कुछ और भी कारण हो सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। इजरायल जॉर्डन बॉर्डर के पास हथियारों की खेप पकड़ी गई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। नंबर 1, नंबर 2, हमास ने हथियार सप्लाई मिलने के बाद युद्ध छेड़ा। नंबर 2, हमास के पास अब बंधकों का बोझ नहीं है। फिर बंधक सैनिकों को संभालना, जगह बदलना मुश्किल नहीं। फिर ये देखिए, हमास ने खुद को मजबूत कर लड़ाकों की तैनाती की। इजरायल ने 50 बंधक छोड़ा, जनता का गुस्सा कम किया। दुनिया में बंधकों पर इजरायल के खिलाफ गुस्सा कम हो गया, यह भी जानकारी आ रही। अमेरिका ने इजरायल को नए हमलों के लिए हरी झंडी दे दी। सोचिए जरा, ये वो फैक्टर्स हैं जो वे इन कर रहे हैं। लेकिन वॉर ग्राउंड पर मौजूद हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने सीज़फ़ायर पर एक नई जानकारी हमें दी। जानकारी के मुताबिक इजरायल हमास के बीच कतर की मध्यस्थता में ही नई शर्तों के साथ सीज़फ़ायर पर चर्चा हो रही है।
हालांकि बड़ी बात यह है कि इसराइल हमास की नई शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं। क्या इसराइल के हमलों से हमास घबरा गया है? क्या हमास को अपना अंत अब नजदीक दिख रहा है? क्योंकि इधर एक बार फिर इजरायली फोर्सेस ने जमीन और आसमान से प्रहार शुरू किया, उधर एक बार फिर हमास सीज फायर के लिए बातचीत की टेबल पर आ गया। इसराइल में मौजूद हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक हमास ने नई शर्तों के साथ कतर से सीज फायर पर बातचीत की पेशकश की। अब हमास के पास बतौर बंधक इसराइल के सैनिक, इसराइल नागरिक और सैनिकों की रिहाई के लिए पुरानी शर्त पर अड़ा है। कतर, मिस्र और अमेरिका नई शर्तों पर इसराइल से बात कर रहे हैं। खबर यह है कि हमास इसराइल के सैनिकों को छोड़ने के बदले एक के बदले 10 कैदी और सीजफायर की शर्त रख सकता है। हालांकि इसको लेकर इसराइल ने अपना रुख साफ करते हुए यह कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर इन शर्तों के साथ सीजफायर के लिए तैयार नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि हमास ने अब तक इजरायली कैद से अपने सामान्य नागरिकों को छुड़ाया है। अब वो सैनिकों के बदले बतौर आतंकी इजरायली जेलों में बंद अपने बड़े चेहरों को छुड़ाने की कोशिश में है। गाजा में दोबारा से युद्ध की शुरुआत के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में इजरायली राष्ट्रपति से मुलाकात की है। पीएम मोदी दुबई में इजरायली प्रेसिडेंट इसहाक हरजोग से मिले। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर के हमले पर संवेदना जताई, बंधकों की रिहाई का स्वागत किया और मानवीय मदद के साथ बातचीत से समस्या का समाधान निकालने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायल के राष्ट्रपति इत्जाक हरजोग वर्ल्ड क्लाइमेट समिट के लिए दुबई पहुंचे। आईडीएफ ने अटैक के राउंड 2 के पहले ही एक ऐसा प्लान बनाया जिससे पूरे गाजा में तबाही तय मानी जा रही है। असल में नेतन्याहू का गाजा को लेकर जोन प्लान है जिसे 3,000 जोन्स में बांटा गया है और यहां हमले से वार्निंग भी दी जाएगी। उत्तरी गाजा में इसराइल ने रॉकेट हमला किया, दक्षिणी गाजा से लोगों को उत्तरी गाजा में लौटने से रोकने की कोशिश की। इसराइल ने पूरा उत्तरी गाजा सीज फायर से पहले खाली कराया था। इसराइल को डर है कि इन इलाकों में अगर लोग लौटे तो उसका ऑपरेशन फेल हो जाएगा, इसीलिए इन इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए बाकायदा इसराइल पर्चे भी गिरा रहा है। आज ये पर्चे दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में गिराए गए। लोगों को ये इलाका खाली करके मिस्र बॉर्डर से लगे हुए राफा शहर में जाने को कहा गया, क्योंकि माना जा रहा है कि इसराइल अब दक्षिणी गाजा पर हमले तेज करेगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पूरे गाजा को लेकर इसराइल का प्लान क्या है ये खुलासा ज्यादा चौंकाने वाला है। असल में आईडीएफ ने गाजा पर हमले करने के लिए नई रणनीति बना ली है। इसके तहत गाजा को 3,000 छोटे छोटे जोन बनाकर बांट दिया गया है, यानी 3,000 इलाके चिन्हित किए गए हैं। इसके लिए बाकायदा एक मैप जारी किया गया है जिसमें हर एरिया का नंबर लिखा है और उस एरिया में रहने वाले लोगों से नंबर जानने की अपील की गई है। कहा जा रहा है कि आईडीएफ यहां हमला करने से पहले इलाका खाली करने की वार्निंग देगा। इसके साथ ही गाजा में ग्रे एरिया बनाने पर भी आईडीएफ का फोकस है। ये ग्रे एरिया नो मैन्स लैंड होगा जो कि उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा के बीच का हिस्सा होगा। ये दो बड़े प्लान बताते हैं कि इसराइल को रोकना अब नामुमकिन है और नेतन्याहू ने एक दिन पहले ही हमास के खात्मे की कसम ब्लिंकन के सामने खाई। मैंने हमास को हराने की कसम खाई है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम तब तक युद्ध जारी रखेंगे जब तक सभी उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। ब्लिंकन ने उस दौरान नेतन्याहू को ये चेतावनी दी कि इसराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है, लेकिन आम फिलिस्तीनियों की जान लेकर ये लक्ष्य हासिल नहीं होना चाहिए। हमास चीफ इस्माइल हानिया लगातार इसराइल को धमकी दे रहा है। हानिया कतर में करोड़ों के बंगले में रह रहा है, वहीं से नई धमकी भी दी। हानिया ने फिलिस्तीन के लोगों को कतर से उकसाया है, क्रांति के लिए खून बहाने को कहा है। दूसरी तरफ हमास के डिप्टी चीफ याया सिनवार ने भी इसराइल को धमकी दी है। सिनवार ने कहा कि 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमले की तैयारी है, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो ड्रेस रिहर्सल थी। पहले हमास चीफ हानिया को देखिए।
एक तरफ हानिया और सिनवार इज़राइल को धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया जिसके मुताबिक इज़राइल को हमास की प्लानिंग के बारे में एक साल पहले से पता था, लेकिन ना तो इज़राइली अधिकारियों ने कोई कदम उठाया और ना ही हमास ने हमास की प्लानिंग को रोक सके। ये रिपोर्ट है। और हमास का प्लान इज़राइल को एक साल पहले से पता था, बावजूद इसके इजरायली एजेंसियां और डिफेंस सिस्टम ना तो इसे रोक पाए और ना ही टाल पाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इन सारी बातों का खुलासा किया है जिसके मुताबिक इज़राइल को लगभग 40 पन्नों का दस्तावेज मिला था जिसका नाम रखा गया जेरिको वॉल, लेकिन इज़राइल यही कच्चा खा गया। उसे लगा कि हमास इसे कभी अंजाम ही नहीं दे पाएगा। हमास का साल भर पहले जो प्लान था हूबहू वैसे ही लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इज़राइल में कर दिखाया, मतलब प्लान से इधर कुछ भी नहीं। इजरायली अधिकारियों के हाथों में जो दस्तावेज थे उसमें साफ साफ लिखा था कि पहले इज़राइल पर रॉकेट से अटैक करेंगे, फिर ड्रोन और पैराग्लाइडिंग से अटैक करेंगे, कुछ लड़ाके पैदल ही घुसेंगे, और वो सब एक एक करके हुआ भी। मतलब इज़राइल को जो प्लान पता था हमास ने ठीक उसी तरह से उसे अंजाम भी दे दिया। हमास का प्लान वाला दस्तावेज जो इज़राइल के हाथ लगा था उसमें ऐसी कई जानकारियां थी जिससे इज़राइली अधिकारियों की बेचैनी बढ़नी थी, लेकिन किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि अब तक ये किसी को मालूम नहीं है कि इसके बारे में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जानकारी थी या नहीं, लेकिन जिन लोगों को हमास का ये प्लान एक साल पहले से पता था वो इसे लेकर क्या सोच रहे थे, क्योंकि सवाल तो ये भी है कि हमास ने इजरायल को लेकर खुफिया जानकारी कहां से जुटाई। इजरायली सुरक्षा से जुड़े लोगों ने हमास को जानकारी दी। सवाल तो ये भी है कि जिस दस्तावेज में हमास का पूरा प्लान था वो इजरायली सेना और खुफिया नेताओं के बीच तो खूब चर्चाओं में रहा, लेकिन इस पर साल भर पहले अगर रत्ती भर भी गंभीरता से सोचा गया होता तो इजरायल को 7 अक्टूबर नहीं देखना पड़ता। गाजा पर हमला होते ही हूती और हिजबुल्ला दोनों अपने अपने फ्रंट से दोबारा एक्टिव हो गए। हूती ने लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर अटैक किया, तो हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला ने 2 घंटे पहले ऐलान किया कि वो इज़राइल से युद्ध के लिए तैयार। गाजा पर दोबारा हमले के बीच हूती और हिजबुल्ला ने कैसे इज़राइल अमेरिका को युद्ध की नई धमकी दी वो बताने से पहले ये अटैक देखिए। यमन की राजधानी सना में इज़राइल ने भीषण हमला किया, हूती के मिसाइल डिपो को तबाह किया। गाजा में सीज फायर टूटने से पहले इज़राइल ने यहां 2 मिसाइलें दागी थी, लेकिन इसके बाद इज़राइल ने जब गाजा पर अटैक किए तो हूती विद्रोही जाग उठे। यमन से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में तैनात अमेरिकी शिप यूएसएस कार्नी पर ड्रोन अटैक की कोशिश की। हमला कामयाब हो पाता उससे पहले ही अमेरिकी वॉरशिप ने उसे इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया। दावा किया जा रहा है कि KAS-04 ड्रोन था जिसे हूती विद्रोहियों को ईरान ने दिया था। खास बात यह है कि अमेरिकी शिप पर इस तरह का हमला पहली बार नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले हूती ने यूएसएस मेसन पर मिसाइल अटैक किया था। बीते 8 नवंबर को अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया था, लेकिन हूती विद्रोहियों के टारगेट पर सिर्फ अमेरिका नहीं है, इजराइल भी है। यमन से इजराइल को धमकी मिली है कि अगर उसने गाजा पर अटैक किए तो हूती विद्रोही तेल अवीव पर जमीन आसमान और समंदर से हमला करेंगे। हूती की ये धमकी नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। हूती विद्रोहियों ने इसके साथ ही इराक के मिलिशिया गुट को भी तैयार रहने को कहा है। लाल सागर में इजरायली जहाज फिर से हूतियों के टारगेट पर आ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ सकता है। इसके संकेत इराकी मिलिशिया की नई धमकी से भी मिले हैं, जिसमें उसने गाजा को लेकर इजरायल में विनाश लाने की वार्निंग दी है। गाजा पर हमले के बाद कुछ ऐसी ही धमकी हिजबुल्ला ने भी इजरायल को दी। नसरल्ला ने ऐलान किया कि वो इजरायल से युद्ध के लिए तैयार है।
हिजबुल्ला ने युद्ध विराम के साथ ही ऐलान किया था कि अब उसकी तरफ से इजराइल पर तब तक अटैक नहीं होंगे जब तक सीज फायर कायम रहेगा, लेकिन अब सीज फायर टूट चुका है और हिजबुल्ला की ओर से वॉर फ्रंट खोलने का खतरा है। सीज फायर टूटते ही ईरान ने भी इजराइल को धमकी दी। ईरानी सेना प्रमुख हुसैन सलामी ने क्या कहा वो भी देखना जरूरी है। 48 घंटे में इजराइल खत्म, ये कहा है ईरान की 48 घंटे में इजराइल को खत्म करने की वार्निंग है। आईआरजीसी के चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी की यह धमकी है। गाजा से तेल अवीव सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है, वेस्ट बैंक से तेल अवीव सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। इजराइल को 7 अक्टूबर जैसे हमले का डर है, हमले के खौफ में इजराइल सो नहीं पाता। ये सोचिए सर, ये हालात है। मिडल ईस्ट में महायुद्ध की आहट के बीच खबर रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस यूक्रेन युद्ध से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। खबर देखने से पहले वो वीडियो देखिए जब रूसी हमले में यूक्रेन का फाइटर प्लेन तबाह हुआ। रूसी आर्मी ने यूक्रेन के SU-25 फाइटर जेट पर ड्रोन हमला किया। ड्रोन अटैक में नीप्रो एयरबेस पर यूक्रेनी फाइटर जेट को तबाह कर दिया गया। रूस यूक्रेन युद्ध को 646 दिन पूरे हो चुके हैं। अब द इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट आई है वो अमेरिका समेत पूरे पश्चिम को हिला देने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन यूक्रेन में युद्ध में जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं। खबर यह भी है कि पुतिन 14 दिसंबर को अपनी सालाना न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दिन पुतिन अपने भाषण के साथ जनता से फोन पर संवाद करेंगे। माना जा रहा है कि यही वो दिन होगा जब मॉस्को पश्चिम के खिलाफ अपनी जीत का ऐलान करेगा। पुतिन लगातार ड्रोन मिसाइल अटैक से यूक्रेन को दहला रहे हैं। ज़ेलेंस्की के पास रूसी हमलों के खिलाफ कोई जवाब नहीं है। करीब 2 साल से जारी युद्ध के हालात का अंदाजा लगाने के बाद द इकोनॉमिस्ट ने जो रिपोर्ट तैयार की है उस रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में पुतिन पश्चिमी देशों से जीतते नजर आ रहे हैं, लेकिन कैसे उसके कुछ कारण बताए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन पश्चिम के खिलाफ कई देशों को लामबंद करने में सफल रहे हैं। पुतिन की सबसे बड़ी ताकत यूरोप में रणनीतिक दृष्टि की कमी है। पुतिन विदेशों से हथियार जमा करने में सफल रहे हैं। रूस ने ईरान से ड्रोन हासिल की है तो नॉर्थ कोरिया से शेल्स इकट्ठा किए हैं। इसके साथ ही पुतिन ने ग्लोबल साउथ को अमेरिका के खिलाफ करने में कामयाबी हासिल की है तो रूस के अंदर अपनी स्थिति को भी मजबूत किया है। पुतिन रूस की जनता को ये समझाने में कामयाब रहे हैं कि ये युद्ध पश्चिम के खिलाफ रूसियों के अस्तित्व का है। पुतिन ने अपने देश की इकोनॉमी पर युद्ध का असर नहीं पड़ने दिया है। पुतिन के पास मॉस्को की तरफ से युद्ध में लड़ रहे और जान दे रहे लोगों के परिवारों को जीवन भर पैसा देने के लिए पर्याप्त फंड मौजूद है। उधर बाइडेन को यूक्रेन के लिए $60 बिलियन की मदद का पैकेज मंजूर कराने के लिए कांग्रेस के सामने संघर्ष करना पड़ रहा है। यही नहीं, अगर 2024 के US प्रेसिडेंट इलेक्शन में ट्रंप की जीत होती है तो अमेरिका यूक्रेन की मदद से हाथ खींच सकता है। इन सारे फैक्टर्स को आधार बनाते हुए द इकोनॉमिस्ट ने संभावना जताई है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध जीत रहे हैं। सोचिए जरा, अमेरिका और नेटो कंट्रीज के हाथ से एक उनका गेम प्लान पूरा खत्म हो गया। ज़ेलेंस्की ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो जानते हैं कि उनका देश नेटो में शामिल नहीं होगा। एक वॉर फ्रंट ऑलमोस्ट डिफीटेड, 2 वॉर फ्रंट ऑलरेडी खुले हुए हैं। कौन सा वॉर फ्रंट? एक वेनेजुएला का हमने आपको बताया, एक अफ्रीका का हमने आपको बताया, और तीसरा वॉर फ्रंट है इसराइल। सोचिए अमेरिका किस डायलेमा में। नेटो ने भी रूस के सामने सरेंडर कर दिया। नेटो महासचिव जेन स्टोल्टनबर्ग का चौंकाने वाला बयान सामने आया, यूक्रेन की कोई मदद नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा है, यूक्रेन में हालात नहीं बदल सकते हैं, ज्यादा हथियारों से भी फर्क नहीं पड़ेगा। F-16 से यूक्रेन के हालात नहीं बदलेंगे, हाईमार्स मिसाइल एयर डिफेंस से भी कुछ नहीं होगा, लंबे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। नेटो महासचिव स्टोल्टनबर्ग का यह बयान जो कि बताता है कि वो हताश है। लेकिन अब खबर वोट युद्ध की करते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना पर पिछले 24 घंटे में आप एग्जिट पोल देख चुके हैं। सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर। एग्जिट पोल के जरिए आपको पता चल गया होगा कि इन राज्यों में किसे कितनी सीटें मिलेंगी। आप यह भी जान गए कि कौन कहां सरकार बना सकता है। लेकिन आज हम आपको वो डेटा दिखाने वाले हैं जो किसी ने नहीं दिखाया, वो पोल जो आपने नहीं देखा।
सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। सूबे को लेकर अलग अलग तरह के आंकड़े सामने, अंतिम नतीजे का पता तो 3 दिसंबर को चलेगा, लेकिन उससे पहले कई कंफ्यूजन है। कोई कांग्रेस की सरकार बना रहा है, कोई बीजेपी की। हम आपको एग्जिट पोल के अंदर की बात बताने वाले, किस वर्ग का वोट किसे गया, वो कौन से फैक्टर हैं जिनका असर पड़ा। एग्जिट पोल के हिसाब से मध्य प्रदेश का डेटा क्या कहता है? वो राज्य जहां महिलाओं का वोट निर्णायक माना जाता है, जाति समीकरण भी मायने रखते हैं। वहां किसने किसका साथ दिया, टीवी 9 ने अपना पोल एक एक फैक्टर को ध्यान में रखकर किया, जो पूरी सियासी पिक्चर क्लियर कर देगी। सवाल ये है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में महिलाओं का वोट किसे गया। टीवी 9 के एग्जिट पोल के मुताबिक महिलाओं का वोट 43% कांग्रेस, 47% बीजेपी और 10% अन्य को गया। एग्जिट पोल के आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी यहां बाजी मार गई और कांग्रेस के मुकाबले उसे 4% ज्यादा वोट मिले। दूसरा बड़ा फैक्टर ओबीसी वोट का रहा। चुनाव के दौरान ये मुद्दा भी काफी गर्म था। राहुल गांधी ओबीसी कार्ड लगातार खेल रहे थे, इसलिए ये जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटर का झुकाव किस ओर रहा। टीवी 9 के एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य पिछड़ा वर्ग ने 45% कांग्रेस, 44% बीजेपी और 11% अन्य के लिए मतदान किया। एग्जिट पोल के आंकड़ों में यहां मुकाबला कांटे का रहा, हालांकि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को 1% का फायदा दिख रहा है। हमारे पोल में तीसरा बड़ा फैक्टर मुस्लिम का है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप भी लगते रहे हैं, तो सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों के मत किसे पड़े। टीवी 9 के एग्जिट पोल के मुताबिक 61% मुस्लिम यानी इस तबके के बहुत बड़े हिस्से ने कांग्रेस के लिए वोट किया, जबकि बीजेपी के पक्ष में सिर्फ 18% रहे। वहीं अन्य को इस वर्ग से 21% वोट मिले। मतलब एग्जिट पोल के हिसाब से मुसलमान वोटों के मामले में कांग्रेस क्लीन स्वीप कर गई और बीजेपी के मुकाबले उसे 43% ज्यादा वोट मिले। हमने जो अभी आंकड़े दिखाए वो एग्जिट पोल के हैं और इसमें फेर बदल हो सकते हैं, लेकिन चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों सरकार बनाने का दावा कर रही है। बहुत सी योजनाएं ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हुए और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। वैसे अंतिम नतीजे रविवार को आएंगे, तब असली तस्वीर साफ होगी। उसी दिन ये पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी अपना राज बरकरार रखने में कामयाब रही या फिर वोटरों का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला। मध्य प्रदेश को लेकर सरगर्मी इसलिए भी है क्योंकि कई एग्जिट पोल बीजेपी को बंपर जीत दिला रहे हैं, तो कई कांग्रेस को। कांग्रेस ने तो खुद अपना सर्वे सोशल मीडिया पर डाल दिया है। 3 दिसंबर के लिए दोनों दलों के नेता कमर कस चुके हैं। इन सियासी हलचलों के बीच आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ग्वालियर पहुंचे, जहां उनके स्वागत में खुद शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। उनके अलावा पार्टी के बड़े नेताओं का जमावड़ा भी रहा। मध्य प्रदेश के नतीजों से पहले जेपी नड्डा ग्वालियर पहुंचे तो सियासत और गर्म हो गई। हालांकि उनका दौरा पहले से तय था, लेकिन टाइमिंग की वजह से सवाल होने लगे। वो सवाल भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप उनके वेलकम की तस्वीर और बीजेपी नेताओं के बॉडी लैंग्वेज के मायने समझ लीजिए। नड्डा के वेलकम के लिए शिवराज सिंह और नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। गौर से देखिए, शिवराज सिंह पहले जेपी नड्डा के पीछे थे, फिर वो उनके दाहिनी तरफ बिल्कुल करीब आए, जबकि बाईं तरफ नरोत्तम मिश्रा थे। इस दौरान नड्डा और शिवराज दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के चेहरे पर हंसी नहीं थी, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस भीड़ में काफी पीछे नजर आए। तो क्या ये संकेत है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो इस बार भी शिवराज सिंह की ही ताजपोशी होगी। वैसे एग्जिट पोल आ चुके हैं, लिहाजा पत्रकारों ने जेपी नड्डा से सवाल किया कि पोल पर उनका क्या कहना है। हालांकि वो हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए और कोई जवाब नहीं दिया। एग्जिट पोल पर सर,
इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर खुद की बम्पर जीत को लेकर अपना एग्जिट पोल डाला, जिसमें पार्टी ने खुद को 151 सीट दी जबकि बीजेपी को 69 और अन्य को 10 सीटें दी हैं। भाजपा का लक्ष्य 150 का था और इसलिए हम 150 से को भी आगे पाएंगे, तो हम लक्ष्य से आगे हैं। मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि भाजपा की सरकार बन रही है और बहुत अच्छे से बन रही है। मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल तो वैसे कांग्रेस ने अपने पोल में दावा किया है कि पूरे मध्य प्रदेश में पार्टी की लहर है और 20 साल बाद राज्य में चमत्कारिक परिणाम आने वाले हैं। मध्य प्रदेश पर इस बार सबकी नजर इसलिए भी है क्योंकि अगर मामला 2018 की तरह फंसा तो बीजेपी क्या करेगी? क्या वो कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका देगी या फिर वो खुद अपनी सरकार बनाने का प्रयास करेगी? चलिए आपको ये बताते हैं। 2018 में 230 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 114 सीटें आई, बीजेपी को 109 और अन्य के खाते में 7। तब शिवराज सिंह ने इस्तीफा दे दिया था और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। हालांकि बाद में ये सरकार गिर गई और फिर शिवराज सीएम बन गए, लेकिन तब कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक ग्रुप था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बार अगर 2018 वाली स्थिति आती है तो बीजेपी अपनी सरकार बनाने का प्रयास करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी अपने बागियों निर्दलियों के साथ अभी से संपर्क में है। जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात है तो शिवराज लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि वही चेहरा है। आपको बता दें कि कल यानी 30 नवंबर को एग्जिट पोल से पहले उन्होंने कैबिनेट की बैठक की थी। ऐसा पहली बार हुआ जब वोटिंग के बाद और मतगणना के बीच में कैबिनेट की बैठक हुई। ये शिवराज का संकेत है कि इस बार भी कुर्सी के दावेदार वही हैं। मध्य प्रदेश के बाद बारी राजस्थान की है। यहां के एग्जिट पोल के बाद भी सियासी पारा हाई। पोल में मामला नजदीकी है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको वो फैक्टर बताने जा रहे हैं जो राजस्थान की तस्वीर क्लियर करने वाली। मध्य प्रदेश की तरह हम यहां भी पोल के अंदर की बात आपको दिखाएंगे, किसने किसे साथ दिया ये सब बताएंगे, जिसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि राजस्थान में राज कायम रहेगा या रिवाज। इस बार राजस्थान का एग्जिट पोल चौंकाने वाला रहा। हम आपको ये बता चुके हैं कि किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, कौन वहाँ सरकार बना सकता है, लेकिन इस बार का वोट शेयर जानना भी जरूरी है जो सीटों के समीकरण में कहीं गुम हो गया। लेकिन हम आपको पूरी तस्वीर बताएंगे। इस बार नौजवान वोटरों की तादाद भी अच्छी खासी रही, इसलिए ये जानना जरूरी है कि राजस्थान में युवा वर्ग किसके साथ रहा। टीवी 9 भारतवर्ष ने अपने एग्जिट पोल में इस फैक्टर में अलग अलग आयु वर्ग को शामिल किया। हमारी पोल के मुताबिक 23 साल से कम उम्र के 38% वोटर कांग्रेस के साथ गए, जबकि 41% बीजेपी और 21% अन्य को मिले। यानी एग्जिट पोल के हिसाब से इस उम्र के नौजवानों का सबसे ज्यादा साथ बीजेपी को मिला। यहां कांग्रेस के मुकाबले उसे 3% का फायदा हुआ। इसी तरह 23 से 35 साल के वोटरों की बात करें तो कांग्रेस को 41, बीजेपी को 39, जबकि अन्य को 20% का साथ मिला। यानी यहां कांग्रेस बाजी मार गई और उसे बीजेपी के मुकाबले 2% का फायदा हुआ। वहीं 36 से 35 साल वाले मतदाताओं में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ 42-42% रहे, जबकि अन्य को 16% का समर्थन मिला। यानी एग्जिट पोल के मुताबिक यहां बीजेपी और कांग्रेस बराबरी पर दिख रही हैं। टीवी 9 के एग्जिट पोल में दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर एससी और एसटी समुदाय का रहा। इस वर्ग का किसे कितना साथ मिला, अब आपको इसके बारे में बताते हैं। एससी वर्ग की बात करें तो कांग्रेस को 47%, बीजेपी को 35% और अन्य को 18% वोट मिले। यानी दलितों के मामले में कांग्रेस बाजी मार गई और बीजेपी के मुकाबले उसे 12% का फायदा दिख रहा है। वहीं एसटी वर्ग के 44% वोट कांग्रेस को मिले तो वहीं बीजेपी को 36% और अन्य को 20% मत मिले। मतलब ये कि यहां भी कांग्रेस फायदे में रही, उसे बीजेपी के मुकाबले 8% की बढ़त रही। टीवी 9 के एग्जिट पोल से ये पता चल रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का रुझान कांग्रेस की तरफ रहा। तीसरा बड़ा फैक्टर सवर्ण हिंदू का रहा और हमने अपने पोल में इसे भी शामिल किया। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान हिंदुत्व भी बड़ा मुद्दा रहा। हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है, चलिए ये देख लेते हैं। राजस्थान में सवर्ण हिंदुओं ने 27% कांग्रेस, जबकि 59% यानी बहुत बड़े हिस्से ने बीजेपी के लिए वोट किया।
वहीं अन्य को 14% का साथ मिला। एग्जिट पोल के मुताबिक समण हिंदुओं का बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ है और यहां उसे कांग्रेस के मुकाबले 32% का बड़ा फायदा हुआ। हालांकि ये आंकड़े एग्जिट पोल के हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस की सर्वनाक हार होगी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरी सरकार रिपीट होगी, मैं कह रहा हूं उनकी सरकार डिलीट होगी। और मुख्यमंत्री जी 156 का दावा कर रहे हैं, अगर एक अंक अंक आगे से हटा दो तो 56 रह जाए तो बड़ी बात हो। काका जी उनका नाम जादूगर अशोक गहलोत तो खिलाड़ी के खुद ही, आप क्यों चिंता कर रहे हो? एक आंकड़ा आखिरी सवाल, एक आंकड़ा आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी अब ये जो एग्जिट पोल आए? देखिए मेरे को लगता है कि हम 100 क्रॉस कर जाएंगे, मुझे लग रहा है। दावे चाहे जो भी हो, लेकिन राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठेगा इसका पता 3 दिसंबर को ही चलेगा। और अब धरती को बचाने की फिक्र जरूरी है, इस पर मंथन करने के लिए इस वक्त 140 देशों के प्रमुखों का दुबई में जमावड़ा लगा है। यहां COP28 समिट हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दुनिया के कई बड़े नेताओं के साथ जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की। दुबई के अपने 2 दिन के कार्यक्रम में वो 2 स्पेशल सेशन का हिस्सा बने, 7 द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान उनके 4 संबोधन, प्रधानमंत्री मोदी ने COP33 को 2028 में भारत में कराने का प्रस्ताव रखा। जब प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा उस वक्त हाई लेवल सेशन में 140 से अधिक देशों के प्रमुख मौजूद थे। फ्रेंड, भारत UN फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है, इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में COP33 भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता। दुबई में यह समिट 12 दिनों तक चलेगा, जिस पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि COP28 इस साल का आखिरी सबसे बड़ा समिट है जिसमें दुनिया भर के शीर्ष नेता जुटे हैं। यही नहीं, इसमें अलग अलग देशों के कई संगठनों ने से जुड़े 70,000 लोग भी शामिल हुए, जिसकी बड़ी फिक्र धरती का बढ़ता तापमान और क्लाइमेट चेंज है। शायद यही वजह है कि इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के अमीर देशों को आईना दिखाया। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि कुछ चंद देशों के किए की कीमत पूरी दुनिया चुका रही। उन्होंने दोटू कहा कि ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार देश अपनी जिम्मेदारी समझे। प्रधानमंत्री ने ऐसे विकसित देशों में विकासशील और गरीब देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिया कि भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 45% तक घटाएगा। हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। मानव जाति के एक छोटे हिस्से ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया, लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ रही है, विशेषकर ग्लोबल साउथ के निवासियों को। हमें ग्लोबल कार्बन बजट में सभी विकासशील देशों को उचित शेयर देना होगा। हमें यह संकल्प लेना होगा कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का लगातार विकास करें, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है। दरअसल COP28 समिट इसलिए भी अहम है क्योंकि ये 2015 में अपनाए गए पेरिस समझौते का ही विस्तार है। इसका लक्ष्य बढ़ते तापमान को करीब 1.5 डिग्री बल्कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है और जलवायु परिवर्तन की सबसे खराब स्थिति से पृथ्वी को बचाना है। इस समिट की शुरुआत में ही सभी विकासशील देशों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दुबई में क्लाइमेट डैमेज फंड को मंजूरी दी गई, जिसमें जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान का मुआवजा विकासशील देशों को मिला। यही वजह है कि आने वाले दिनों के लिए इस समिट का एजेंडा तय है, जिसमें जलवायु संकट से निपटने में मिली सफलता और नाकामी की समीक्षा होगी।
क्योंकि कहीं बाढ़ का कहर है तो कहीं गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं तो कहीं तबाही की बर्फबारी हो रही है। इसीलिए हमारी अगली खबर और भी चौंकाने वाली है जिसका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई प्रदूषण को कम करने के लिए पूरे अफ्रीका में जमीन पट्टे पर ले रहा है जहां जंगल लगाए जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि यूएई ने अफ्रीका के कई देशों में 25 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पट्टे पर लिया है जो क्षेत्रफल के हिसाब से यूनाइटेड किंगडम के बराबर है। इसमें जिम्बाब्वे, लाइबेरिया, जाम्बिया और तंजानिया शामिल। इन देशों में यूएई की कंपनी ब्लू कार्बन डील पर आखिरी मोहर लग गई। आपको बता दें कि अफ्रीका ऐसा इकलौता महाद्वीप है जो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार है। ये जलवायु परिवर्तन ही है जिसका एक रूप आप भारत में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड के रूप में देखते हैं जिसमें हम कुदरत के अजीब क्रोध का सामना कर रहे हैं। इसे आप जलवायु परिवर्तन का वो टाइम बॉम्ब भी कह सकते हैं जो पूरी दुनिया में टिक टिक कर रहा है। और इसे सुनना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट रिपोर्ट बेहद डराने वाली है। दुनिया के 197 शहरों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने वाला। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल के 150 दिन यानी करीब 6 महीने तक तापमान 35 डिग्री से ज्यादा रहेगा। हमारे लिए बड़ी फिक्र यह है कि दुनिया के 197 शहरों में 103 शहर भारत के हैं जहां तापमान 35 डिग्री से ज्यादा रहेगा।